जी प्रधान को आपको पहनाएंगे। अच्छा अच्छा और बंदर नोट नोट के खाएंगे। वाह वाह बहुत अति सुंदर। हाँ, अब इसी चीज को आप प्रधान के तरफ की माला व्यवस्था ये करेंगे और जो कुछ होगा माला प्रधान जी पहनाएंगे। देखो आज इसी आज पहली तारीख है ना आज जरा एक मिनट सुनो एक मिनट थोड़ा कैमरे के आगे बोल रहे हैं। आज 1 जून 2012 है इसके पहले आपने थोड़ा सा नज़ारा देखा जहाँ वो भागवत कथा चल रहा था। अब चूँकि अब कहीं जाना पड़ता है आचार्य जी ने कहा हम चले गए वरना हम सुनते कम हैं सुनाते जाते हैं। और क्यों सुनाते हैं क्योंकि सुनाने के लिए प्रभु ने हमको लाइसेंस दे रखा है। ठीक ये कोई अहंकार नहीं हमारी ड्यूटी है कि हम समाज में परिवर्तन लाएं समाज में हम धर्म के बारे में लोगों को एक दिशा दे दें और जिसका परिणाम सामने आवे। ये विज्ञान का युग है ये अंधविश्वास का युग नहीं है। अब जब इन्होंने बताया कि प्रधान जी बतौरा के उनका ये सहयोग होगा तो सुनने के बाद हमको ये लगा कि वास्तव में उनके अंदर एक मानवता है। क्यों श्याम साधु का जो भी धार्मिक कार्य है उससे अच्छा कोई कार्य हो तो दुनिया का कोई भी महात्मा हो संत हो विद्वान हो वो हमको बता दे। हर जगह कथा कहानी किस्सा सब जगह होने के बाद अंत में यही होता है लाओ लाओ यहाँ लाओ नहीं है ना 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 बांटो। तो प्रधान जी के बारे में जब सुना तो हमने कहा हे भगवान ऐसे प्रधान अगर सारे हो जाए दो चार जिले में तो फिर राष्ट्रपति का भी महत्व यानी जो है वो कम पड़ जाए। तो यहाँ हम इस समय हम यहाँ राम सिंह जी के घर में हम आ चुके हैं काफ़ी पहले आ गए थे। हमारे बगल में आचार्य जी बैठे हैं डॉक्टर श्याम बाबा भी आ चुके हैं प्रधान जी भी आए हुए हैं बेतौरा के। तो धन का सदुपयोग होना चाहिए दुरुपयोग नहीं होना चाहिए ये कथा हो रही है ठीक लेकिन साथ साथ मानवता की भी कथा होनी चाहिए ताकि इस कथा सुनने के बाद आदमी कुछ करे उसमें परिवर्तन आवे। अब जीवन में ग्राम प्रधान जो है बतौरा के ये इनका जो सहयोग इसमें हो रहा है इसके पहले जो भी इन्होंने धर्म का काम किया होगा मन तो उनका प्रसन्न होगा समाज में उनको वाहवाही मिली होगी लेकिन उसका परिणाम ईश्वर के यहाँ से सुई के नोक बराबर होगा। क्यों यही है सेवा परमो धर्म। पहले सेवा में आप पैसा लगाइए सेवा में सहयोग कीजिए। कौन सेवा तो सबको चाहिए हमको भी चाहिए उनको भी चाहिए। तो सेवा परमो धर्म परम धर्म सेवा है और वही सेवा है जो निस्वार्थ किया जाए। ये बंदर हमारे कोई रिश्तेदार तो नहीं है बच्चे जो आएंगे बाल भगवान वो हमारे रिश्तेदार तो नहीं है लेकिन मैं उनको प्रणाम करता हूँ किसी धर्म का हो किसी जात का हो कोई भी हो बालक हो उससे बड़ा कोई महात्मा हो ही नहीं सकता। क्यों महान आत्मा जिसकी आत्मा महान हो महाराज प्रधान जी वही महान है। हमारे समाज में मामला पलट दिया गया हर जगह बाबा जी प्रधान पंडित जी प्रधान भागवत जी कौन प्रधान आत्मा से प्रधान बनो। तो हम बहुत लोग कहेंगे साहब ये लिखा है वो लिखा है तो उनको मैं ये कहता हूँ कि जो लिखा है रामायण में गीता में भागवत में उपनिषद में थोड़ा देर के यही मान रहे हो कि मैंने ही लिखा है। अब बोलो क्या आप उसको अकाज कर सकेंगे हमने लिखा था लेकिन हमने देखा हमारे लिखने का कोई प्रभाव नहीं हुआ घर घर रावण पैदा हो रहे हैं। अब मैं करके दिखा रहा हूँ मैं कौन हूँ क्या हूँ मैं स्वयं नहीं जानता मैं स्वयं नहीं जानता मैं वही साधु पसंद करता हूँ जो धर्म के लिए कुर्बानी करता हो दौड़ता हो भागता हो। ये श्याम बाबा सामने बैठे हुए हैं रूखा आदमी पहुंचा महीनों खून पसीना एक कर दिया खून पसीना एक मिला दिया और भगवान ने इसको शक्ति भी दिए हैं। आजकल का साधु हरे राम साधु साधु माने हराम खोरी साधु माने हराम खोरी कौन साधु मेहनत करता है महाराज साधु वही है जो खून पसीना एक करे किया तो वही इनका कर्तव्य है धर्म है।
अब जो 16-32 आना इनको मिलेगा, इनका धर्म है, इनको देना चाहिए, इनको लेना चाहिए, इनको खाना चाहिए। कोई बिल्डिंग थोड़े बनवा रहा है ये कि नंबर 2 का पैसा बैंक बैलेंस कर रहा है, है? तो धर्म का प्रचार, अब इस आदमी ने इतना बड़ा आयोजन किया तो हमारा भी जाना हुआ। कुल मिलाकर के कई लोगों में इसका बड़ा प्रचार प्रसार होता है। तो हमारा मतलब ये है कि जो लोग निस्वार्थ सेवा में 1 पैसा दे करके 1 करोड़ तक लगाते हैं, उसका फल प्रतिफल गारंटी से सामने आवेगा, गारंटी से आवेगा। कथा भागवत जी दो करवाए, रोखा में इतना बड़ा आयोजन हुआ, कितने लोगों को हम भी पहुंचे, हमने भी अपनी बात बताई, तो लोग बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। तो हमारा मतलब कि आप कथा भागवत सुनो, लेकिन कुछ गुनो भी तो भाई, तब तो इनके मेहनत का फल मिला भाई। इन्होंने खून पसीना एक किया, इनको 16-32 आना मिला, इन्होंने अपनी ड्यूटी कर दिया, डॉक्टर आपको आला लगाया, डॉक्टर ने पर्चा लिखा, डॉक्टर ने आपको दवाई दिया, अब तुम दवाइयाँ न खाओ तो डॉक्टर क्या करे, आपको दवा खाना पड़ेगा। पहली चीज कर्मयोगी होना जरूरी है, और कर्मयोग से बड़ा कोई योग। तो ये मान के चलिए इस जन्म में ब्राह्मण कुल में पैदा होकर के हमारे दिमाग से बड़ा हमको तकलीफ होता था, मैं कहीं जाऊँ तो जहाँ अपने गाँव में पंडित जी, अब जो बेचारी छोटी जात के हैं, बूढ़े बुजुर्ग उठ के खड़े हो जाए, हम लोग जमींदार परिवार के हैं, गांव में गए खड़े हो गए, तो हमने कहा हम लोग उनको दादा चाचा कहते थे, हैं जैसे वो समाज बिरादरी में रहे, घोड़ेई रहे, फलाने रहे, तो हम कहा तो उनको भैया कहते हैं, कहा घोड़ेई भैया आप उठ के खड़े क्यों हो गए, अरे महाराज कहा जिंदा न रहे दे हो, हम कहा देखो जो लोगों ने गलती किया है ना उसी का खामियाजा हम लोग भोग रहे हैं, अब हम जो पुरुषों ने गलती किया है वो मैं नहीं करूँगा, हमको भगवान ने ये संदेश देने के लिए भेजा है कि जाओ जमींदार घर में पैदा हो, चश्मा लगाओ तो पंडित जी के घर में पैदा हो, और काम हमसे कहा ले रहे हैं महाराज, गाय तो छोड़ो, गधा कुत्ता सुअर इसकी भी सेवा करो। अब सुअर पड़ा है, हड्डी टूट गई, अब हमारे घर में पड़े महीनों और टट्टी फेंक रहे हैं, बरसात का महीना। अब यही नीली बातों को देख के टोला मोहल्ला मेहरिया अम्मा भौजाई सब पागल 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 कहीं तो खून के घूट पी के हम सुना जान, हम जानते थे कि एक वक्त आ जाएगा कि श्याम साधु दुनिया के सामने बोलेगा और ललकार के बोलेगा, लोगों की बोलती बंद हो जाएगी। तब तो अमरीका का डॉक्टर, इतना बड़ा महान डॉक्टर, 126-56 देशों के गुरु को इसी लाइब्रेरी में उसने पटक दिया, और पटकने के बाद उसने हमको गुरु कहा, क्यों कहा, कुछ देखा, उन्हीं बातों को आचार्य जी ने लिखा। तो एक विद्वान का भी महत्व होता है। तो हम ये चाह रहे हैं कि अब संध्या वेला है, अब यहाँ कार्य भी होना है, तो मैं वाणी को विराम दूंगा, और हम यहाँ आए हुए सभी लोगों को हृदय से आशीर्वाद देंगे कि महाराज कर्म पहले करो, और चाहे तुम कुछ करो चाहे न करो, तुम कथा सुनो और चाहे न सुनो कर्मुआ करो पहले। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, अरे जिस देश में रामायण हो एक एक रामायण की चौपाई से बड़ा कोई गुरु है ही नहीं। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कीन तस फल चाखा, ये बंदर हो डायरेक्ट हनुमान जी की सेवा, ये मेरा अनुभव है। 6316 नंबर का भोज हमारा कल होगा, 6316वां भोज मेरा यहाँ कल होगा, तब सीखो करो, हमको चमत्कार दिखा है तभी मैं कर रहा हूँ, कोई पागल नहीं है, पागल होते तो घर द्वार जमीन जायदाद बेच डाले हुई, कतो गांजा पीत कतो नहीं उठपटान काम करते, काम वो कर रहे हैं, मेरे कामों में दम है। तो अमेरिका के इतना बड़ा विद्वान, अभी हमारे आचार्य जी दंग रह गए, हमने इनको अखबार भी दिया, वो डॉक्टर का फोटो भी है कि उसने हमको गुरु माना, क्यों माना, इतना बड़ा काबिल आदमी, 156 देश के गुरु को रायबरेली में पटक दिया, जवाब नहीं निकला उससे। श्री श्री रविशंकर प्रसाद जी आए थे 23 तारीख को यहाँ अपने रायबरेली, 50 लाख का खर्चा हुआ है, 50 लाख उनके आगमन में, तब इतना अंधा है समाज प्रधान जी, ये तो बड़ी आपकी महानता है। राम सिंह जैसा, अब हमने कई बार इनको टोका, हम कहा सिंह साहब आप एक काम किया करो, कोई भी काम ऐसा मत करो जो थोड़ा झंझटी हो, ठीक,
अच्छा नहीं लगता है। अरे आप कुछ भी हैं, राजपूत हैं, बिहार चले जाइए तो हर छत्री को राजपूत कहा जाता है। आप राजघराने के, आप राजा हैं, तो राजा अब प्रजा मन के दौड़े से नीक नहीं लगता है ना। हमने कहा काम आसान करो, कोई आपको झंझट ना, जरा भी तकलीफ ना हो। अरे नहीं महाराज, सब आप यही कर रहे हैं। हम कहा महाराज, अरे वो कर रहे हैं लेकिन अब आपके द्वारा तो हो रहा है ना, तो हम तुमका पानी में चढ़ाते, अब इतना बड़ा बीड़ा उठा लिया, समाज कितना भयानक जा रहा है कि हम उठा नहीं पाते। लेकिन आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आपने सही, आपने जो योगदान दिया है ना, वो मान के चलिए कि उसका 50 गुना अगर आप बढ़ा दीजिए, 50 गुना वो भी कम होगा। क्यों? आपका दिया हुआ दान आपका अनंत गुना फलदायी होगा। क्यों? वो एकदम सही जगह जाए, वो बजरंग बली डायरेक्ट खाएंगे। ये होता है, हम अवघवपन के साधु, हम ये ऊंच नीच भेदभाव मैं कुछ नहीं मानता। घट घट में भगवान को देखने वाले, कितने सुअर आए, कितने गधे आए, श्यामाबा ने गधा पड़ा 1.5 महीना, सैकड़ों गधों का इलाज किया महाराज, सैकड़ों का। यही दुनिया को मैं दिखा रहा हूँ, यही दुनिया वालों देखो, यही धर्म है। ये ऊंच नीच का भेदभाव, इसमें माचिस लगा दो, फूंक दो, वही गुरु है जो संभाव रखे। भगवान सूरज से कोई बड़ा है क्या? और तो सबको बराबर धूप दे रहे हैं, वो तो नहीं कहते कि नहीं तुम फलाने जात के हो, तुम फला जात के हो, तो बहुत मेरा अंधा समाज। संभाव रखो, प्रेम रखो, वो युग आ गया है, कलयुग है महाराज। तमाम लोग कहेंगे साहब कहीं जाइए कोई चंदन ठीक से मन लगा के देते ही लोगों की, इसलिए नहीं लोग देते हैं ना, लोगों को ये लोग देखते हैं महाराज इतना पैसा लगावा, भोज की भंडारा किया, तो उसका परिणाम क्या निकला? आज की जनता को परिणाम चाहिए, तो परिणाम नतीजा पाने देखना हो तो आप श्याम साधु, श्याम साधु आपको नतीजा दिखा दे, नहीं आपको नतीजा दिखता है तो हमको मोबाइल कीजिए, आपका जो भी लगा हुआ है, जो भी खर्च हुआ है वो हम आपको। अब ऐसा बढ़िया तुमका ऐसा सस्ता महात्मा कहा नहीं कर पाए, क्यों? कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, ये जो सेवा आप करेंगे ये भगवान की सेवा करेंगे, और जो हम कथा भागवत से आ रहे हैं ये भगवान की मक्खनबाजी है, तो मक्खन तो लगाओ भगवान की, लेकिन महाराज कुछ कर्म हो तो करो ना। है आपके मेहराडू खाली का है, आपकी जय हो, प्रधान जी की जय हो, प्रधान जी की बुशट बहुत बढ़िया है, प्रधान जी में गुला में बड़ी ताकत है, प्रधान जी ने वहाँ एक पीपा तेल दान में दे दिया, जय हो। और रोटी न बनाएगी दिए महाराज, कितने दिन दे दियो, 2 दिन में आप बौखला जाएंगे आज, इसीलिए भगवान किसी की नहीं सुनता। स्वामी जी प्रधान कल उपस्थित रहेंगे जितने समय सब सारा कार्यक्रम, बिल्कुल उपस्थित रहेंगे। नहीं नहीं, ये तो महान महान व्यक्तित्व तो है, और हम ये चाहेंगे फोकस करो प्रधान जी, हमको 10 मिनट के लिए चाहे 5 मिनट के लिए इनके गांव तक हमको भेज दीजिएगा, ताकि इनके दरवाजे हम जा करके कुछ अपनी, अब भाई हमारी भी कुछ शक्ति है तो वहाँ हमको छूट उठा के चले आएंगे, ताकि अगले अगले कार्यक्रम में ये मुड़े बल ठाव हो जाए आपके मदद से। नहीं, यहाँ जब इनको काम फायदा हो, प्रधान जी के यहाँ चलेंगे सब लोग। जी जी जी, बिल्कुल, कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा तो वहीं चला जाएगा, बिल्कुल, जरूरत का समय दिया जाएगा। जी जी जी, अरे कर्म से महान बनो भाई, कपड़े से महान नहीं बनना चाहिए, नाम से महान मत बनो, पैसा रुपया दौलत बंदूक देखा से महान मत बनो, महान बनना है तो कर्म करो, और भगवान की निगाह में अगर आप महान हो गए तो महाराज बहुत बड़ी बात, तो मेरा अंधा समाज करो, लेकिन कर्म करो, सेवा करो। तो हम ये चाहते हैं कि वाणी को विराम दिया जाए, अंधेरा भी हो रहा है, और जी जी नहीं, अरे तो ठीक है, भगवान आप चमत्कार देखेंगे आप, और अवघड़ देखिए, कोई अवघड़ है अगर वो दारू पीता है, अगर वो मांस खाता है और पैसा लेता है, तो उसको 3 थप्पड़ घसीट के मारो, हमारा नाम लेके लतिया देव अगर वजह भगा, दारू पीता हो, मांस खाता हो, पैसा मांगता हो, वो अवघड़ हो ही नहीं सकता। अवघड़ का केवल एक काम है कि सेवा करे, और किसी से सेवा कम से कम ले, कम से कम, वही अवघड़। अवघड़ की अवघड़पन से पूजा पाठ थोड़ा है,
समझा सेवा संभव। घट घट में भगवान को देखे, घट घट में भगवान को देखे और उसी का दिग्दर्शन सबको करावे। हाँ, अब वहाँ देखिए क्या क्या नाम था ये जहाँ कड़कड़ में रोखा में, रोखा में तमाम मुस्लिम समाज के लोग आए, सुनने में आया कि हमारी बातों से बड़े प्रसन्न रहे। रोखा में मुस्लिम समाज के लोग बड़े प्रसन्न हुए सुनकर, जब आप सच बोलेंगे, आप न्याय की बात करेंगे तो कौन नहीं प्रसन्न होगा। बोल रही तो नहीं महाराज, बोल रही तो नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल, अभी तो उजाला है। आ गया बेटा, आ गया। भगवान कहते हैं दुनिया न जान इसको मियां दरिया की ये मझधार है, औरों का बेड़ा पार कर तेरा भी बेड़ा पार है, अपने नफा के वास्ते मत गैर का नुकसान कर, तेरा भी नुकसान होएगा, इस बात पर तू ध्यान कर। कांटा किसी के मत लगा अगर मिसलगुल फूला है तू, ये तेरे हक में जहर है किस बात पर भूला है। बनते हो बड़े भक्त हृदय साफ नहीं है, करते हो गुनाह छुप कर कभी माफ नहीं है, ए बेधर्मी सीधे जहन्नुम को जाएगा, अपने किए की जल्द सजा आप पाएगा। कलयुग नहीं करजुग है, या दिन को दे और रात ले, क्या खूब सौदा नग्द है इस हाथ दे इस हाथ ले, नेको की नेकी का मजा मुझी को टक्कर देख ले, अगर तुझको भी बावर नहीं तो तू भी करके देख ले। भगवान तो प्रेम का भूखा है, भगवान को प्रेम से रिझाओ, प्रेम से मिलो, जो मिलता है वो ब्रह्म का अवतार मिलता है। भगवान ने कहा गीता में कि प्रेम का भूखा हूँ मैं, प्रेम ही एक सार है, प्रेम से मुझको भजो तो भाव से बेड़ा पार है। अन्न धन व वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा बस यही सत्कार है। और प्रेम जिस जन की नहीं उसकी मुझे परवाह नहीं, और प्रेम वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है, इसीलिए अर्जुन होता मेरा अवतार है। तो हमारे स्वामी जी प्रेम के भूखे, धन दौलत रुपया पैसा कुछ भी नहीं चाहिए इनको, जो आपका है वो आप अपने में लगा लो उसको। मानव धर्म की सेवा, जीव में ब्रह्म का दर्शन, कणकण में भगवान का दर्शन, और उनके दुख में दुखी होना और उनके सुख में सुखी होना, बेसहारा बंदरों को भोजन कराना और उनके आनंद को देख करके आनंदित होना, यही स्वामी जी की क्रिया है, यही योग है, यही क्षेम है, यही कर्म योग है, इसी का प्रचार और प्रसार है, इसी में भगवान के ब्रह्म का दर्शन है महाराज का। इसी के साथ मैं वाणी का विराम करता हूँ, और कल की सभा में, कल स्वामी जी का जन्म दिवस भी है और यहाँ 2,500 बच्चों का बाल भोज भी होगा और एक मुखी हनुमान जी का स्तोत्र पाठ होगा, महामृत्युंजय जाप होगा और इसके साथ में ओम नमः शिवाय का जाप 9 बजे से 10:30 बजे तक श्रेष्ठ रामदास के मंदिर में होगा, शिव जी के मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में, वहीं पर आरती होगी, आरती के बाद प्रसाद वितरण होगा, भंडारा यहाँ सुबेर 6 बजे चलता रहेगा और बानर भोज बराबर जारी रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी का विराम देता हूँ और कल के प्रोग्राम के बारे में हमने आपको अवगत करा दिया। जय सीताराम। जय सीता। कौन ऐसी बात स्वामी जी।